वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के बारे में, जब हम किसी टू डिजिट नंबर को किसी टू डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए किसी भी टू डिजिट नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसको तीन जगह पर डिवाइड कर लीजिए। इसका टेंस प्लेस इसके टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस से। 3 2 6। अगर तो सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट लिख दीजिए, अगर डबल डिजिट में आ गया है तो सिंगल डिजिट यहाँ पर यानी वंस प्लेस यहाँ पर, टेंस प्लेस कैरी ओवर के तौर पर। तो यहाँ पर आपके पास 6 आया है तो आगे नहीं करने की जरूरत। 4 2 8 ये यहाँ पे लिख दिया आपने। अब नेक्स्ट, ये जो मिडिल वाली जगह है यहाँ पे आपने क्या करना है, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई दैट इज 4, इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई दैट इज 12। सो ये आ गया 8, 12 प्लस 4 दैट इज 16। तो इस 16 का सिर्फ 6 यहां लिखेंगे और बोरो इसको यहां कर ले जाएंगे और ये एज इट इज। सो ये आंसर विल बी 966। सो दोबारा से देखते हैं, टेंस प्लेस टेंस प्लेस, 8 7 are 56, यूनिट प्लेस दैट इज 6। यहां पर आप 7 into 2 14 प्लस 8 3 are 24, 56 6, 8 यहां पर 2 प्लस 1 3 यहां पर। सो योर आंसर इज 6 8 9 5, 5 9 8 6। यहां पर देखते हैं 4 9 are 36, 7 6 are 42 आते ही जो कैरी ओवर है 4 आगे चला गया, और यहां पर जो आपने लिखना था वो था 4 6 are प्लस 9 7 are 63, so that is 36 7 8 4 2। so इन दोनों को प्लस किया, ये 9 फिर यहां से बोरो कर लिया, ये आपके आप 2 1 4 5 1 2। यहां पे देखिए 9 3 जा 63 का 6 बोरो में चला गया और 3 यहां पर, और यहां पर आपके पास आया 9 9 81 प्लस 7 3 21, दैट इज 27। 1 प्लस 1 2 प्लस 6 8 8 प्लस 2 10, 10 चला गया आपके पास कैरी ओवर में, 3 8 7 3, दैट इज योर आंसर। थैंक यू।